चैनपुर प्रखंड में विकास योजनाओं पर भ्रष्टाचार और लूट खसोट लगातार जारी है। सरकार के द्वारा गांवों में दी गई योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। चाहे मनरेगा हो या 15वें वित्त की योजना, सभी पर बिचौलिये हावी है। ताजा मामला रामपुर पंचायत अंतर्गत भटफौली गांव का है, जहां 14वें वित्त से RCC पुलिया का निर्माण होना था, परंतु पुलिया निर्माण के लिए जमीन पर एक कुदाल भी नहीं चला और पैसे की निकासी कर ली गई। योजना पास हुए 2 साल से अधिक का समय हो गया है, परंतु अभी तक न योजना की जांच की गई है, न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी उसे देखने पहुंचे हैं। ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि इस काम को लाभुक समिति को करना था, जिसके बाद चैनपुर के कौशल केशरी ने इस काम को अपने हाथों में लेके इसे करने की जिम्मेवारी ली थी। लाभुक समिति के खाते में आए सारे पैसे ठक फुसला कर निकाल लिया तथा काम भी नहीं कराया। गाँव में ऐसे बहुत से काम अधूरे पड़े हैं तथा उनके पूरे राशि निकल ली गई है। बताते चले कि भटौली में संचालित राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय में PCC रोड बननी थी, जिसके बाद उसमें सिर्फ पत्थर बिछाकर छोड़ दिया गया और पूरे पैसे की निकासी कर दिया गया। ग्रामीण बताते हैं कि ये सब पदाधिकारियों की मिली भगत से ही हो रहा है। इस तरह के अधूरे काम होने से पदाधिकारियों को भी शक के घेरे में खड़ी करती है। जैसे कि आप ही के माध्यम से जानकारी हमको मिली है कि 15वीं वित्त आयोग में रामपुर पंचायत के भटौली गांव में पंचायत के द्वारा एक पुलिया का निर्माण का योजना स्वीकृत हुआ है, उसमें पैसे की निकासी हो गई। इसके लिए पैसे की निकासी हुई है, योजना बनाया कि नहीं, जब तक स्थलीय जांच नहीं होता है तो इस पर कुछ कहना मुश्किल है। BPRO से और AEC इसकी जाँच करा लेंगे। अगर पैसे निकासी करके योजना नहीं बना है तो पैसे सरकारी पैसे की वसूली होगी, अन्यथा संबंधित जो इसमें लोग जुड़े हैं उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। देखिए, पास होने के लिए तो हम लोग उसको दिए थे, पर पास हो गया और पैसा निकल गया उसके बारे में नहीं जान रहे। RCC पुलिया बनना था, अभी तक नहीं बना है और ये लाभुक समिति के द्वारा बनना था, लेकिन इसको कौशल केसरी अपने हाथ में लिया था और अभी तक पूरा पैसा निकाल लिया है और धरातल पर एक भी काम नहीं हुआ है। देखिए, RCC पुलिया पास हुआ उसके बारे में तो हम लोग ग्राम सभा में दिए हैं, लेकिन वो पैसा वहाँ तो एक कोड़ी भी नहीं लगा है और पैसा निकल गया, तो इस समय तो ठीक करना होगा ना। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।